मुरैना जिले के सिहोनिया थाना में पदस्थ आरक्षक हरगोपाल जाट जोगी द्वारा रुपए मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरक्षक करीब 6 सालों से थाने में पदस्थ है, जो भोले भाले ग्रामीणों से 13,000 रुपए की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, पैसा नहीं देने के एवज में केस दर्ज करने की धमकी भी दी जा रही है। शिबू सिकरवा ने बताया कि रात 12 से 2 बजे के बीच पुलिस आती है और उनको आए दिन परेशान किया जा रहा है। हमारी चल रही है दुश्मनी, रात में कल पुलिस आई है और आके यहाँ मजदूरों को, हमारी लेबर को उनने जगा कर यहाँ दारू वारू की तलाशी ली है। इस तरीके से आए दिन मतलब जो लोग धमकी देते हैं, पैसे की मांग करते हैं और कई बार मतलब इन लोगों ने मतलब इस तरीके से अपनी गाड़ी पे हमारी हादसे भी हुए और अपन ने मतलब सोनिया दरोगा को इसकी जानकारी भी दी है, लेकिन इसका कोई मतलब वो नहीं निकला है इसमें। अपन को गेहूँ काटने वाली लेबर है हमारे यहाँ, जी हमारे यहाँ अशोक नगर साइड से है कि यहाँ दारू कहाँ है, कहाँ दारू रखी हुई है। इस तरीके से आए दिन मतलब टॉर्चर करना, आए दिन पर एक हरगोपाल है सोनिया थाने में, हरगोपाल जाट, वो पैसे वैसे की मांग हर बार करता है अपन से और आए दिन केस लगाने की धमकी, कहीं दरोगा के नाम से, कहीं अधिकारियों के नाम से धमकी मतलब देता ही रहता है। आरक्षक है, सिपाही है, कम से कम 2 बार हमला हो चुका है हमारे ऊपर और दोनों बार सौरभ तोमर सोनिया का है, उसने हमला करवाया है मेरे।